नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का चौथा वीडियो है। तीन वीडियो जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के हम डिस्कस कर चुके हैं, आज जो है चौथा वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक मिनट का वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है अलायंस ब्लू का। अलायंस ब्लू इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, इंडिया के टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में से एक है। अलायंस ब्लू में ट्रेडिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और आईफोर ऑप्शन के थ्रू जुड़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चार्जेज की बात करें तो अलायंस में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेज जीरो हैं। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे ब्रोकरेज में, आपको बेस्ट डील मिलती है इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको जीरो ब्रोकरेज लगती है। दूसरे सेगमेंट जैसे इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी में आपको ₹15 पर ऑर्डर की ब्रोकरेज लगती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको अलायंस में एंट का मोबाइल ऐप, एंट वेब, एंट डेस्क सॉफ्टवेयर तीनों ही मिल जाते हैं, जिनमें इंटरफेस काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज़ है। आपको यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस चार्टिंग टूल मिल जाता है जिससे कि आप डायरेक्ट चार्ट से ही ट्रेड कर सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है NSE, FNO, MCX तीनों के लिए। आपको यहाँ पे फ्री में एडवांस API मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं आईफोर ऑप्शन के थ्रू अलायंस में अकाउंट ओपनिंग करवाने के बेनिफिट। पहला बेनिफिट, अकाउंट ओपनिंग करवाने पर एक मंथ के लिए आईफोर ऑप्शन का फ्री प्रो प्लान मिलेगा आपको। दूसरा बेनिफिट, आईफोर ऑप्शन के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करवाने के बाद अगर आप उसमें एक्टिवली ट्रेड करोगे तो आईफोर ऑप्शन का प्रो प्लान आपका फ्री रहेगा जब तक आप उसमें एक्टिवली ट्रेड करते रहोगे। तीसरा बेनिफिट, आने वाले कुछ दिनों में आप आईफोर ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट अलायंस में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। आईफोर ऑप्शन के थ्रू अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आज हम जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट की साइकिल जो बनती है, डाउ थ्योरी में जो हमने मार्केट की साइकिल को जो स्टडी किया था उसमें जो है डिफरेंट तरह के फेज होते हैं, चार तरह के जो फेज होते हैं, उन फेज में वॉल्यूम और प्राइस के किस तरह के पैटर्न बनते हैं, ताकि हम जो है आइडेंटिफाई करें पाएँ कि ये एक अक्यूमुलेशन फेज है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, उस चीज़ को जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मार्केट की साइकिल के चारों जो में वॉल्यूम प्राइस के पैटर्न कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मार्केट की साइकिल है, आप देख रहे होंगे मार्केट की जो है साइकिल इस तरह से बनती है। अब ये साइकिल जो है हर टाइम फ्रेम में बनती है, ये मान लेते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल है, छोटे टाइम फ्रेम में जो भी जो है सेम साइकिल बनती है, छोटे टाइम फ्रेम में इसी के अंदर जो है इस तरह की साइकिल बनती रहती है, इसी तरह की जो है सेम साइकिल जो है छोटे टाइम फ्रेम में भी बनती रहती है और बड़े टाइम फ्रेम में भी जो है आपकी इसी तरह की साइकिल बनती है, तो ये रिपीट होती रहती है। अब जो ये साइकिल जो बनती है इसमें जो बड़े टाइम फ्रेम की जो साइकिल है इसमें जो है आपके रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनको जो है रिटेल प्राइस पे शेयर बेचे जाते हैं और उनसे जो है होलसेल प्राइस पे जो है शेयर खरीदे जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जो आपके रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनसे जो है होलसेल प्राइस पे शेयर खरीदे जाते हैं और रिटेल प्राइस पे उनको जो है शेयर बेचे जाते हैं। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, इस तरह से जो है रिटेल को जो है रिटेल प्राइस पे जो है शेयर सेल किए जाते हैं, होलसेल प्राइस पे उनसे खरीदे जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको जो है स्मार्ट मनी को फॉलो करना होगा। वो हम कैसे कर पाएंगे? वो हम कर पाएंगे वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस करके। तो एक्युमुलेशन फेज की बात करें तो एक्युमुलेशन फेज में क्या होता है, एक्युमुलेशन फेज में जो है स्मार्ट मनी जो है बाय कर रहे होते हैं और जो आपके रिटेलर जो है सेल कर रहे होते हैं। रिटेलर यहाँ पे जो है स्टॉक को सेल कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी बाय कर रहे होते हैं। स्मार्ट मनी ऐसा कैसे कर पाते हैं कि रिटेलर्स को सेल करने के लिए कैसे कन्वेंस कर लेते हैं, यहाँ पे जो है रिटेलर्स का जो एक इमोशंस होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। वो क्या होता है, फियर का एक जो है फियर का जो है एक इमोशन होता है उनको जो है मैनिपुलेट करते हैं। वो उसको कैसे करते हैं, जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है उसमें जो है वो मीडिया की हेल्प लेते हैं उसके जो फियर के इमोशन को मैनिपुलेट करने के लिए। उसके बारे में जो है नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती हैं, स्टॉक गिर रहा होता है, इसके लिए जो है रिटेलर वहाँ पर जो है स्टॉक को सेल कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी जो है वहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बस ठीक सिंपली ऐसा होता है कि मान लेते हैं ये एक बड़ा पोर्टफोलियो है रिटेलर का, ये एक जो है स्मार्ट मनी का पोर्टफोलियो है, ये स्मार्ट मनी का पोर्टफोलियो है, रिटेलर का पोर्टफोलियो, बहुत सारे रिटेलरों का बना के। तो इस फेज में एक्युमुलेशन फेज में यही होता है, सिंपली जो है यहाँ से जो है स्टॉक निकाले जाते हैं इस पोर्टफोलियो से, इसमें जो है भरे जाते हैं। और इस फेज में जो है कुछ ऐसा मान लो कि यहाँ से जो है स्मार्ट मनी, मान लो ये गाड़ी है, स्टॉक को जो है लोड करती है और ऊपर वाले फेज में जो है स्टॉक को अनलोड करती है, यही चलता रहता है।
और साइकिल जो है इस तरह की ही बनती रहती है। ठीक है, तो अब जो है हम जो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो है वॉल्यूम और प्राइस के पैटर्न बनते हैं, ताकि हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएँ एक्युमुलेशन फेज को, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को। तो एक्युमुलेशन फेज से शुरुआत करते हैं। जब आपका कोई स्टॉक लो वॉल्यूम में नीचे गिर रहा होता है या कम वॉल्यूम में नीचे गिर रहा होता है, वो इतना अच्छा पैटर्न नहीं होता। आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि कम वॉल्यूम में अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो एक जो है ज़्यादा बेयरिश पैटर्न नहीं है, वो उसमें जो है बुलिश मूवमेंट आ सकता है। बट ऐसा नहीं है, कोई स्टॉक आपका गिर रहा है और वॉल्यूम उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब आपका जो है सेटअप वहाँ पे बनने वाला है बाइंग का। ठीक है, ठीक इसका जो है उल्टा आपको जो है देखना है। बट उसके साथ साथ एक चीज़ आपको प्राइस भी देखना, आपकी जो है प्राइस की जो है स्प्रेड कम होनी चाहिए और वॉल्यूम जो है बढ़ने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टॉक गिर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो है यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाय करना चालू स्टार्ट कर दिया है और जो है यहाँ से आपका एक्युमुलेशन फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्प्रेड यहाँ पे आपको देखना, बॉडी का जो स्प्रेड वो जो छोटा होना चाहिए, वॉल्यूम जो है बढ़ने चाहिए, तो इसका मतलब जो है आपका एक्युमुलेशन फेज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो है जहाँ से एक्युमुलेशन फेज स्टार्ट होता है वहाँ से सब रिटेलर जो है स्टॉक को सेल नहीं करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाता है, फिर गिराया जाता है। ठीक है, ऐसे जो है यहाँ पे जो है एक्युमुलेशन फेज में जो है ऊपर नीचे करके जो है शेक किया जाता है और सभी जो है रिटेलर, जितने भी रिटेलर को धीरे धीरे जो है कन्वेंस किया जाता है स्टॉक्स को सेल करने के लिए। ये ठीक उसी तरह से कोई फलदार जो है कोई पेड़ होता है उसको हम जो है हिला के जो है फल को जो है नीचे झाड़ते हैं, ठीक उसी तरह जो है जितने भी रिटेलर जो स्टॉक को लेके बैठे हैं, वीक हैंड्स हैं, सबको जो है ऐसे निकाला जाता है और जो है स्मार्ट मनी अपना जो है पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे भरता है। अब ये जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं वॉल्यूम जहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे जो है स्मार्ट मनी जो है स्टॉक को भर रहे हैं और वो जो अपना पोर्टफोलियो भर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार जो है उनका पोर्टफोलियो फुल हो जाता है, स्मार्ट मनी का पोर्टफोलियो फुल हो जाता है और रिटेलर जो है और शेयर उनके पास बेचने के लिए नहीं रहते, जितने भी जो वीक हैंड है जो ट्रेडर है, मान लो छोटे टाइम फ्रेम में ये साइकिल बन रही है तो ट्रेडर ही जो है स्टॉक को निकालेंगे, क्योंकि जो है इन्वेस्टर है वो छोटे मोटे मूव से जो है नहीं निकालेंगे, तो जितने भी वीक हैंड है वो यहाँ पे जो है स्टॉक को निकाल देंगे। अब जब उनका पोर्टफोलियो फुल हो जाता है तो अब वो जो है स्टॉक को ऊपर ले जाना होता है रिटेलर्स को। अब ऊपर ले जाने के से पहले वो जो है एक टेस्ट करते हैं, ऊपर ले जाने से टेस्ट करते हैं नो सप्लाई का, कि अगर हम ऊपर ले गए सप्लाई वापस आ गई तो स्टॉक वापस नीचे से आ जाएगा और जो है उनकी जो ये इतनी करी कराई मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। तो उससे पहले जो है वो स्टॉक को ऊपर ले जाने से पहले एक टेस्ट करते हैं नो सप्लाई का, नो सप्लाई की बार देखते हैं। यहाँ पे जो है नो सप्लाई की बार कैसी बनेगी, ये स्टॉक को ऊपर थोड़ा सा ले जाके फिर नीचे गिराते हैं और नीचे गिराने के बाद देखते हैं अगर वॉल्यूम लो आ रहे होते हैं, वॉल्यूम अगर उसमें लो है तो वापस जो है उसी कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज कर देते हैं, तो कुछ लोअर विक की कुछ इस तरह की कैंडल बन जाती है एम्बर टाइप की या फिर जो है बड़ी लोअर विक की लो वॉल्यूम के साथ। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो उनका जो है टेस्ट पास हो जाता है, फिर वो जो है स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहां से जो है स्टॉक ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये आपका जो है टेस्ट पास हो जाता है और वहां से स्टॉक को फिर वो जो है ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक को निकालते हैं। अगर इस नीचे ये यहाँ पे गिराते हैं और वॉल्यूम अगर ज्यादा आ जाए तो ये इनका टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर जो है स्टॉक को वापस नीचे लाके एक नया एक्युमुलेशन जोन में ले जाके वापस से वही साइकिल चलती है। ठीक है, तो उनका टेस्ट पास होने के बाद जो है स्टॉक हमारा ऊपर जाने लगता है, मार्क इन फेज में चला जाता है। मार्क इन फेज, मार्कअप फेज में क्या होता है, मार्कअप फेज में जो है स्टॉक ऊपर जाता है एवरेज वॉल्यूम के साथ। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा बुलिश मूवमेंट है। ठीक है, जब ऊपर में जाने के बाद बड़े बड़े वॉल्यूम आने लगे तो स्मार्ट मनी जो है वहाँ पे जो है स्टॉक को निकाल रही है, ये समझ लेना। आपका स्प्रेड कम होने लगे, स्प्रेड कम होने लगे और वॉल्यूम बढ़ने लगे तो वहाँ से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो है आपका एक रिटेलर्स के जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, ये जो है रिटेलर का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे जो है स्मार्ट मनी का पोर्टफोलियो है। तो स्मार्ट मनी के पोर्टफोलियो से जो है शेयर खाली किए जाते हैं और रिटेलर के पोर्टफोलियो यहाँ पे भरे जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं, ऐसा कर पाते हैं
एक और इमोशन का जो है आपको मैनिपुलेशन करके, वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिटेलर का जो एक इमोशन है फियर ऑफ मिसिंग आउट का यहाँ पे यूज करते हैं और मीडिया की हेल्प लेते हैं ताकि रिटेलर्स को लगे कि जो है ये अब स्टॉक यहाँ से जो है ये बहुत ऊपर जाएगा और ये जो अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस नहीं हो जाए, तो जो रिटेलर जो है यहाँ पे बाय करने लगते हैं। ठीक है, रिटेलर बाय करने लगते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा आने लगते हैं, स्प्रेड कम होने लगते हैं, तो यहाँ से जो है एक्युमुलेशन फेज स्टार्ट होने लगता है और जब उनका जो है पोर्टफोलियो स्मार्ट मनी का खाली होने लगता है, फिर जो है वो स्टॉक को वापस नीचे लाने की प्लानिंग करते हैं। नीचे लाने से पहले फिर वो जो है एक टेस्ट करते हैं नो डिमांड का। नो डिमांड मतलब जो है ऊपर में जो कोई डिमांड ना हो, क्योंकि नीचे लाने से पहले अगर डिमांड आ गई तो वापस जो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो नो डिमांड की जो है शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल अगर लो वॉल्यूम के साथ बन गई तो उनका जो है टेस्ट पास हो जाएगा, फिर वो जो स्टॉक को नीचे लाते हैं। तो हमारी एंट्री अकुमुलेशन फेज में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कैसे होगी, जब नो सप्लाई बार मिल जाए डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद तो हमारी एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद जो है स्टॉक को नीचे लाते हैं। बट अगर अकुमुलेशन फेज में नो डिमांड बार, अकुमुलेशन फेज में नो सप्लाई बार मिल जाती है, अकुमुलेशन फेज मान लेते हैं यहाँ से हमारा नीचे से अकुमुलेशन फेज स्टार्ट हो गया और जो यहाँ से नो सप्लाई बार मिल जाती है, फिर जो है स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पे हमारी एंट्री कर सकते हैं। तो किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं वो जो है हमें एक रियल एग्जाम्पल से सीखेंगे, समझेंगे किससे कैसे हमें जो है हमारी ट्रेड लेनी है, वो हम जो है एक रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इसको अगर डिटेल में समझने जाएँ तो काफ़ी जो है ये इसमें काफ़ी वीडियो बन जाएंगे, इसकी एक अलग से ही सीरीज़ बन जाएगी। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के ऊपर एक जो है अलग से सीरीज़ बनाई जाए, बट उस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है क्योंकि मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई जो है प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि किस तरह से मैं आपको जो है आसान भाषा में डिलीवर कर सकूँ, उसके लिए जो है मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपके कॉमेंट रहेंगे, आपकी अगर जो है डिमांड रहेगी, तो मैं एक जो है सीरीज़ लाने की प्लानिंग कर सकता हूँ वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के ऊपर। अगर आपने वो चीज़ सीख लिया तो आपको वॉल्यूम प्राइस एक्शन में जो है आपको फिर कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, फिर जो है आप प्राइस एक्शन में मार नहीं खाओगे, प्राइस एक्शन में आप मार नहीं खाओगे, बिलीव कीजिए, अगर आपने वो चीज़ सीख ली। क्योंकि देखो चार्ट पैटर्न में जो क्या होता है, हेड एंड शोल्डर को कोई ऐसे बना देता है, हेड एंड शोल्डर कभी ऐसे बन जाता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर कभी ऐसे बन जाता है, कोई कई तरह के पैटर्न होते हैं, कोई जो है किसी तरह बनाता है चार्ट पैटर्न को, कोई किसी तरह बनाता है, ठीक है, उसमें जो है आपको दो तीन कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इसमें जो चीज़ें जो है लॉजिकल होती हैं, इसमें जो है लॉजिकल चीज़ें होती हैं, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो फिर जो है आपको प्राइज एक्शन में फिर जो है आप मार नहीं खाओगे, फिर जो है आपको ओनली आपके माइंड सेट पर काम करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, फिर आपको जो है कोई भी जो है कहीं से भी अलग से कोई प्राइज एक्शन का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लाखों के कोर्स में जो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो जो है आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी जब ये सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो अभी सीरीज़ में सीख रहे हैं ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें भी अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो वो चीज़ें जो है हमारे काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर जो है बहुत ज़्यादा एडवांस में चली जाती हैं, वो सीरीज जो है इसके बाद में लाएंगे, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, हमारा सेटअप क्या है, उसके लिए जो है हम एक रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर पहले हम जो है सेटअप को समझ लेते हैं फिर जो है एग्जाम्पल भी हम जाते हैं। जैसे हमारा एक्युमुलेशन फेज से शुरुआत करते हैं, एक्युमुलेशन फेज में जो है हमारा स्टॉक नीचे आ रहा होता है, नीचे आ रहा है तो आपका स्प्रेड अगर कम होता है और वॉल्यूम जो है आपके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनने लगते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है, और एक स्प्रेड आपका नीचे में कम हो रहा है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है लो वॉल्यूम के साथ, अगर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की और नैरो स्प्रेड की कैंडल बनती है, उसके बाद लो वॉल्यूम की अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे आपका जो है सेटअप कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले लेनी है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना है। ऐसा केस कब होता है, ऐसा केस तब होता है जब आपका जो है एक्युमुलेशन फेज बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है, एक्युमुलेशन फेज जो है छोटा ही रहेगा इस केस में, फिर जो है आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और जो है स्टॉक वहाँ से आपका तुरंत ही जो है रिवर्स कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है डिमांड और सप्लाई में इंबैलेंस आ चुका है, यहां पे आपकी जो है सप्लाई नहीं रही है
और ये जो है बिना सप्लाई की वजह से जो है आपकी लो वॉल्यूम के साथ जो है ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होता है, मान लेते हैं स्टॉक आपका नीचे में गिर रहा है, नीचे में गिर रहा है, नैरो स्प्रेड की कैंडल बनी, छोटे स्प्रेड की कैंडल बनी हाई वॉल्यूम के साथ बड़े वॉल्यूम के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है बड़े वॉल्यूम के साथ या फिर रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पे आपका सेटअप कंप्लीट नहीं होता है। वॉल्यूम अगर ग्रीन बने बड़े आ गए तो भी सेटअप जो है आपका फेल हो जाएगा, या रेड बनेगी कैंडल तो भी जो है आपका सेटअप फेल हो जाएगा। फिर आपको जो है ये टाइम लगेगा, एक्युमुलेशन फेज एक रेंज में चला जाएगा, फिर जो है आपको कब ट्रेड लेनी है, फिर आपको जो है ट्रेड लेनी है नो सप्लाई बार, जो अपने जो है यहाँ पे देखा था कि जो है यहाँ से सप्लाई बार नीचे में जाएगा, ब्रेकआउट देगा और एक जो है आपकी हैम्बर टाइप की कैंडल बनेगी ऊपर में, और उसमें वॉल्यूम कम रहेगा। जब इस तरह की कैंडल बन जाएगी तब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तब आपको जो है इसमें एंट्री लेनी है। तो आपको जो है पता चल गया, अगर आपकी हाई लो स्प्रेड के साथ बिग वॉल्यूम आता है, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल लो वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो वहाँ से आपका जो है सेटअप कंप्लीट हो गया, एक्युमुलेशन फेस आपका जो है लंबा नहीं चलने वाला है, फिर उसके बाद जो है आप उसमें एंट्री ले सकते हो और वहाँ से जो है आपका स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है। बट इनकेस अगर वॉल्यूम ज़्यादा आता है उस बड़ी छोटी कैंडल लो स्प्रेड वाली कैंडल के बाद वॉल्यूम अगर बड़ा आता है और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल में किसी भी तरह की कैंडल हो वॉल्यूम अगर बड़ा आता है तो सेटअप फेल हो जाता है। अगर रेड कैंडल बनती है लो वॉल्यूम के साथ तो भी सेटअप फेल हो जाता है। बस आपकी जो है ग्रीन कैंडल बननी चाहिए लो वॉल्यूम के साथ, तभी जो है आपका वो सेटअप कंप्लीट होता है। अगर इस तरह का पैटर्न नहीं बनता है, उस नेक्स्ट कैंडल में भी वॉल्यूम आ जाता है या रेड कैंडल बन जाती है, फिर थोड़ा सा आपका एक्युमुलेशन फेज जो है लंबा चलने वाला है, फिर आपको जो है वो जो है नो सप्लाई वाली कैंडल बनने देनी है, कुछ हैम्बर टाइप की या लोअर विक की कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, फिर जो है उसका ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आप जो है उसमें ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। ठीक इसका उल्टा जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ठीक इसका उल्टा, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नैरो स्प्रेड बनी और आपकी रेड कैंडल बनी लो वॉल्यूम के साथ, ये पहली कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ, दूसरी कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, सेटअप कंप्लीट, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, यहाँ पे आप जो है आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर जो है ऐसी चली और नैरो स्प्रेड के साथ बाद में आपकी रेड कैंडल भी बनती है हैवी वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपका जो है सेटअप वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, फिर जो है आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो थोड़ा लंबा चल जाएगा, फिर आपको जो है नो डिमांड बार की जो है आपको देखनी है, शूटिंग स्टार टाइप की या अपर विक की कोई कैंडल देखनी है जिसमें वॉल्यूम कम हो, फिर उसके बाद जो है आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका सेटअप है, इसको जो है एक बार जो है एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो आपको जो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक बार जो है चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है अडानी एंटरप्राइज के चार्ट की बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो है अडानी एंटरप्राइज में, अडानी में बहुत सारी गिरावट आई है, तो कैसे हमें जो है वॉल्यूम प्राइस या वॉल्यूम के और प्राइस से कैसे हमें जो है आइडेंटिफाई हो रहा था कि वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टॉक जो है आपका यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से जो है ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा दूंगा कितने बड़े बड़े आ गए थे इस जोन में, वॉल्यूम आपके स्प्रेड कम हो गए थे, वॉल्यूम जो है आपके आने लग गए थे, मतलब यहाँ से जो है स्मार्ट मनी जो है निकल रही थी। इसको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, इसको अगर जूम करके देखें यहाँ पे टॉप में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे जो है टॉप में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपकी जो है एक बड़ी जो है ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, स्प्रेड इसमें जो है पिछले वाली कैंडल से कम है, इन ये जो कैंडल्स हैं, एक सेकंड में ये जो कैंडल है इनसे जो है स्प्रेड जो है इसमें कम है, बट इसमें जो है वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेड कैंडल बनी, बट उसमें भी जो है वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, रेड कैंडल में भी जो है वॉल्यूम ज़्यादा है,
तो आपको जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है लंबा चल जाता है, फिर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है लंबा चला जाता है, फिर हमें जो है एक ऐसी कैंडल्स की जो है ज़रूरत है जो आपकी जो है नो डिमांड बार की जो कोई कैंडल यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है यहाँ से लंबा चला गया और फिर यहाँ पे और जो है हैवी वॉल्यूम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है निकल रहे हैं। आप देख रहे होगे स्प्रेड जो है कितने छोटे होते जा रहे हैं, इस फेज में जो है वॉल्यूम कितने बड़े हो रहे हैं, स्प्रेड कितने छोटे हो रहे हैं। मैं एक बार जो है इसको नीचे करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो ये जो कैंडल्स हैं इनमें वॉल्यूम देखिए और स्प्रेड देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये कैंडल का स्प्रेड देखिए, वॉल्यूम देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है स्टार्ट होता है और यहाँ पे आप देखो कुछ जो है ये आपकी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, ठीक है। तो ये इस तरह की कैंडल जो है लो वॉल्यूम के साथ जो बन रही हैं ये आपको क्या इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे अब जो है आपकी डिमांड नहीं है, ऊपर जो है स्टॉक को ले जाया गया, फिर जो है देखा वॉल्यूम नहीं आ रहे, वापस नीचे में क्लोजिंग दे दी, तो इसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वहां से आप जो है सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनता है तो आप जो है वहां पे सेल कर सकते हो। अगर यहां पे ही जो है मान लो ऐसी कैंडल बनती है और एक रेड कैंडल की कैंडल लो वॉल्यूम के साथ बन जाती है, एवरेज से नीचे वॉल्यूम रहता है, तो आपका सेटअप वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है फिर आपको जो है इस तरह की कैंडल देखनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखो शूटिंग स्टार टाइप की ये दो तीन कैंडल बनी है, ठीक है, इनमें वॉल्यूम जो है कम है, इनमें वॉल्यूम जो है कम है, तो ये जो है आपकी नो डिमांड बार को जो है बताती है और उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टॉक को जो है सेल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप जो है स्टॉक को सेल करते तो उसके बाद देखिए आपका जो है स्टॉक कितना नीचे गिरावट आई थी, कितनी बड़ी गिरावट आई थी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसी स्टॉक को हम जो है नीचे में डिस्कस करते हैं, अकुमुलेशन फेज में कैसे पैटर्न बनते हैं वो उसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ से जो है हमारा स्टॉक काफ़ी गिरा था वहाँ से अकुमुलेशन जोन से, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि बड़े बड़े वॉल्यूम आने लगे, मतलब यहाँ पे जो है आपका स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे बाय कर रहा है। अब मैं एक बार जो है आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। स्प्रेड आपके जो है छोटे होते चले जाते हैं, वॉल्यूम आपके जो है बढ़ते चले जाते हैं। एक मिनट मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखो जूम करके देखोगे तो पहले जो इससे थोड़ा सा पहले जो है नीचे आने से थोड़ा सा पहले देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है स्प्रेड बड़ा था, वॉल्यूम बढ़े थे, तो ये सीधा सीधा जो है हमारा सेलिंग को इंडिकेट करता है। जब स्प्रेड हमारे छोटे होने लगे तब हमारा जो है सेटअप बनने लगता है। तो स्प्रेड हमारा छोटा कब होता है, यहाँ पे आप देखो ये कैंडल में आप देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है और स्प्रेड आप देखिए कितना छोटा है। इस कैंडल में आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी जो स्प्रेड काफ़ी छोटा है, वॉल्यूम आपका जो है बड़ा है। ये कैंडल पे मेरे को अभी भी याद है इस कैंडल पे क्या हुआ था। ये हमारी जो है 3 फरवरी की कैंडल है और इस 3 फरवरी की कैंडल को मुझको याद है, लाइव स्ट्रीम में जो है आप में से किसी का एक मैसेज आया था कि मैं अडानी एंटरप्राइज को शॉर्ट करना चाहता हूं, तब जो है मेरा जो है यही एक वर्ड था कि यहां पे जो है बाइंग हो रही है, आप इसको जो है शॉर्ट मत कीजिए। वहाँ पर जो है एक अगर मैंने उनको यही बोला था कि अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है लो वॉल्यूम के साथ आप जो है यहाँ पर बाय कर सकते हो, आपका जो है यहाँ पर सेटअप बन रहा है बाइंग का, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा नीचे आया क्योंकि कोई भी जो है ग्रीन कैंडल लो वॉल्यूम के साथ पे नहीं बनी, लो वॉल्यूम के साथ नहीं बनी, तो हमें जो है यहाँ पे क्या नो सप्लाई बार की जो है वेट करना है, ठीक है, नो सप्लाई बार की वेट करना है। आप अगर देखोगे 3 तारीख को जो है 3 फरवरी को 10:05 या 10 मिनट के बीच में जो है यही मेरा एक जवाब मिलेगा कि यहाँ पे जो है शॉर्ट मत कीजिए। हालांकि उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, उनको लगा भी होगा कि ये स्टॉक नीचे आ गया, मैं शॉर्ट कर देता तो सही रहता, बट उसके बाद आप अगर इसको देखोगे हमने जो है बाय किया था इंट्राडे में ये स्टॉक अडानी एंटरप्राइज इस कैंडल पे। ये जो है कैंडल है कितने बजे की कैंडल है मैं बता देता हूँ, 11:30 की कैंडल है 3 तारीख को ही। मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे जो है इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप जो है बाय कर सकते हो। ये कैंडल बनने से पहले ही बोला था कि अगर ये कैंडल जो है ये हमारी जो है आप यहाँ पे देखोगे तो एक नो डिमांड बार, नो सप्लाई बार यहाँ पे बन गई थी,
कौन सी, नो सप्लाई बार यहाँ पे बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी नेक्स्ट जो कैंडल ग्रीन नहीं बनी थी, सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद हमें जो है देखना था कि कोई नो सप्लाई बार, ये जो हमारी नो सप्लाई बार जो है लो वॉल्यूम के साथ बन गई थी, उसके बाद जो है हमारा जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो इस कैंडल पे जो 11:30 की कैंडल है, इस कैंडल पे जो है मैंने बताया था कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर में क्लोजिंग दे देती है तो हम जो है इसमें बाइंग करेंगे और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से हमने जो है 15 मिनट में ही जो 15% गेन कर लिया था। और उसके बाद यहाँ से जो है स्टॉक 80% तक ऊपर गया था, इस कैंडल से जो है 80% तक जो है स्टॉक ऊपर तक गया था। आप अगर लाइव स्ट्रीम में देखोगे तो ये 11:30 जो है इस कैंडल पे जो है इंट्राडे के लिए बाइंग कराया था, क्योंकि जो है हमारी नीचे नो जो है ये नो सप्लाई बार हमारी बन चुकी थी, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया था, इसके ब्रेक का वेट कर रहे थे। जैसे ही इसका ब्रेक हुआ था तो हमारा जो है 20 EMA का भी क्रॉस हो गया था और इस कैंडल पे जो है एक अच्छी एंट्री बन रही थी। उसके बाद जो है स्टॉक वहां से 80% तक के मूव आए थे। तो आपको जो है पता चल गया होगा किस तरह से आपको जो है एंट्री लेना है, एक्युमुलेशन फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में किस तरह से आपकी जो है सेटअप कंप्लीट होंगे। अभी तक आपने क्या सीखा था, अभी तक आपने यही सीखा था कि स्टॉक अगर नीचे जा रहा है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, नीचे में आने के बाद वॉल्यूम अगर बढ़ रहे हैं तो वो जो है और बीयरिश मूवमेंट को जो है इंडिकेट करता है। बट ऐसा नहीं है, आपका अगर स्प्रेड कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो वो आपका जो है एक बाइंग का सेटअप बन रहा है। स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर में जो है वॉल्यूम कम हो रहे हैं, तो वो एक ऊपर में वॉल्यूम कम वॉल्यूम के साथ जा रहा है या एवरेज वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो वो जो है एक अच्छा बाइंग का जो है मूवमेंट रह सकता है। बट जब आपके जो है वॉल्यूम बढ़ने लगते हैं, ऊपर जाने में स्प्रेड कम होने लगता है, तो आपका जो है शॉर्ट का सेटअप वहाँ पर ट्रिगर होने लगता है। तो नेक्स्ट कोई सेटअप जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज का यही सेटअप था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।